जय बोलो देवादेव वासुपूज भगवान की जय। हम इस समय दर्शन करते हैं पूरे विशुद्ध भावों से, जी हाँ, चंपापुर दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र 1008 वासुपूज पंचकर्णक भूमि। यहाँ पर पंचकर्णक भूमि ये वो भूमि है जहाँ पर भगवान के पांच कल्याणक हुए हैं। पांच कल्याणक के साथ साथ ये मंदिर का मुख्य द्वार, वासुपूज भगवान का गर्भ, जन्म, तप, केवल ज्ञान और मोक्ष, ये पांच कल्याणक इस भूमि से हुए हैं और यह भूमि अपने आप में बहुत पवित्र पावन उपनीत हो चुकी है। ये यहाँ की गद्दी है, यहाँ पर बैठते हैं, यहाँ से दर्शनों को जाते हैं। लेकिन फिलहाल हम चतुर्थकालीन चरण युगल यहाँ विराजमान है, उनकी भी दर्शन करेंगे। लेकिन इसके पहले सबसे पहले हम चलेंगे मूल नायक बेदी की ओर। ये देखिए ऊपर आप देख रहे हैं चतुर्थकालीन चरण युगल यहाँ विराजमान है, उनके दर्शन करेंगे। फिलहाल चलते हैं मूल बेदी की ओर। इसके पूर्व ये स्तंभ, जय बोलो देवादेव वासुपूज भगवान की जय। ये वो पवित्र पावन पुनीत स्थान जहाँ पर भगवान वासुपूज जी विराजमान हैं, उनके दर्शन करेंगे, उनकी भक्ति करेंगे, उनकी आराधना करेंगे और उनका एक अर्घ समर्पित करेंगे। जल फलादि द्रव्य सार अष्ट मूल अष्ट जो मिलाए के त्याग हूँ जिन्हें से अग्र अर्घ को बनाए के सुभाषपूज देव के पदार विंद लाल है नमे सुरेंद्र चंद और लाए के सुभाल है। ओम ह्रीम से वासुपूज जिनेन्द्राए अनर्घ पद प्राप्त अर्घम नृपावते स्वाहा। ये भगवान मुख्य भगवान हैं, मूल नायक भगवान हैं, इनके दर्शन बहुत गौर से करिए, निश्चित तौर पर हमारे सारे कष्ट सारी परेशानियों को दूर करने वाले और स्वयं के जैसा बनाने वाले, मोक्ष पद को दिलाने वाले भगवान वासुपूज भगवान की जय। हम बढ़ते हैं वासुपूज भगवान के दूसरे मंदिर की ओर। यह मंदिर भी वासुपूज भगवान का है, इनकी हम दर्शन करेंगे एक बार पुनः और भक्ति से कहेंगे कि जल फलादि द्रव्य सारे अष्ट को मिलाए के लाए हूँ जिन्हें से अग्र अर्घ को बनाए के सुभाषपूज देव के पदार बिंद लाल है नमे सुरेंद्र चंद आए नाए जो सुमाल है। ओम ह्रीम वासुपूज जिनेन्द्राय चरणार विंदे अर्घम नृपावते स्वाहा। यहाँ पर पांच प्रतिमाएं पाषाण की विराजमान हैं और यह भगवान बहुत प्राचीन प्रतिमा है, बहुत भावों से दर्शन करना निश्चित तौर पर हमारे धीरे धीरे सनई सनई कर्मों की निर्जरा होकर के हम भी मोक्ष पद को प्राप्त करेंगे। अब हम परिक्रमा की ओर बढ़ते हैं। ये परिक्रमा का स्थल है, बहुत शानदार परिक्रमा और ऐसे भाव बनते हैं कि हम बहुत प्राचीन भव्य तीर्थ पर पहुँचे हैं। ये भी वासुपूज भगवान का जिनालय है, अष्टधातु की प्रतिमाएं हैं और अष्टधातु की प्रतिमाओं के साथ साथ यहाँ पर भी पांच प्रतिमाएं आदिनाथ पार्श्वनाथ सहित पांच प्रतिमाएं विराजमान हैं। इनके दर्शन करें, भक्ति करें, आराधना करें और भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान हमारे कर्मों को क्षय करके प्रभु वह समय आए कि हम भी आपके जैसे मोक्ष पद को प्राप्त करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। एक दर्शन और करवाते हैं भगवान वासुपूज जिनालय का। ये जिनालय भी भगवान वासुपूज, चूंकि वासुपूज भगवान का है और यहाँ पांच कल्याणक हुए हैं तो पांच मंदिर बनना स्वाभाविक है। नमोस्तु करें और भगवान से प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, आपने तो मोक्ष पद को प्राप्त कर लिया है, कितनी शांत छवि है आपकी, हम उस शांत छवि को कब प्राप्त करेंगे, ऐसे भावों को बनाएं और पूरी वेदी के दर्शन करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। जैसा कि मैंने बताया पांच कल्याणक, तो ये पांचवी वेदी भगवान वासुपूज स्वामी की, ये भी बहुत अतिशयकारी मनोरम प्रतिमा है। स्वर्ण का काम बहुत सुंदर सा हो रखा है, कांच का काम हुआ है, लेकिन कितना सुंदर लग रहा है और कितने भव्यता पूर्वक भगवान विराजमान हैं।
ऐसा लगता है देखो तो देखते ही रहें। ऐसे भगवान के चरणों में हम और आप मिलकर के नमोस्तु निवेदित करेंगे। जब लोग मांस पूज भगवान की जय, ये पांचवा जनालय था। नमोस्तु भगवान। अब हम दर्शनों को बढ़ेंगे और चौबीसी में सबसे पहले बाहुबली भगवान विराजमान है, उनके दर्शन किए। चलो आदिनाथ भगवान की जय। चलो अजितनाथ भगवान की जय। देवादेव संभवनाथ भगवान की जय हो। नरेंद्रनाथ भगवान की जय। जब सुमतनाथ भगवान की जय हो। दमपुरु भगवान की जय। सुपार्श्वनाथ भगवान की जय। चंदा प्रभु भगवान की जय। चंद प्रभु भगवान की जय। पुष्पदंतनाथ भगवान की जय। शीतलनाथ भगवान की जय। सांसनाथ भगवान की। वासुपूज भगवान की जय। विमलनाथ भगवान की जय। जय बोलो अनंतनाथ भगवान की जय। जय बोलो धर्मनाथ भगवान की जय। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की। कुंथुनाथ भगवान की जय। अरहनाथ भगवान की जय। मल्लिनाथ भगवान की जय। जय बोलो मुनिश्रुतनाथ भगवान की जय। जरो नमीनाथ भगवान की जय। जरो देवादिदेव बीच में शांतिनाथ भगवान के विशाल काय प्रतिमा विराजमान है, उनके दर्शन करेंगे, भावों को बनाएंगे। कितनी सुंदर प्रतिमा शांतिनाथ भगवान की, और साथ साथ वासुपूज भगवान यहाँ विराजमान है, और उन्हीं के दूसरी तरफ पुष्पदंतनाथ भगवान यहाँ विराजमान है, इनके दर्शन करेंगे। अब बढ़ेंगे हम शेष चौबीसी। जय नेमिनाथ भगवान की जय। जय बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय। जलो देवादिदेव भगवान महावीर स्वामी वर्धमान जिनेन्द्राय नमः। और यहाँ श्री मंदिर गणधर स्वामी के चरण चिन्ह है, इनके दर्शन करें, भावनाएं। भगवान महावीर स्वामी की जय। ये विशाल तम प्रतिमा आप देख रहे हैं, भगवान महावीर स्वामी की है। दर्शन करें, भावों को बनाएं, विशुद्ध परिणामों को बनाएं। नमोस्तु कर भगवान को। नमोस्तु भगवान। ये विशाल तम 51 फुट का मान स्तंभ देख रहे हैं, और ये सारे दर्शन आपने अभी किए हैं। दर्शन करने के बाद, इस पवित्र भूमि पर आने के बाद ऐसा प्रतीत होता है मानो हम साक्षात भगवान जिनेन्द्र प्रभु के श्री चरण रज धूलि को पा रहे हों। ऐसा लगता है मानो हमारे कर्म मलिनता को प्राप्त हो रहे हैं। वास्तव में शुद्ध भूमि में आने से अपने आप भाव विशुद्ध होते हैं। चलिए हम और विशुद्ध परिणामों को करने के लिए दर्शन करते हैं पार्श्वनाथ भगवान की। ये पार्श्वनाथ भगवान विराजमान हैं, कितनी सुंदर मनमोहक प्रतिमा। दिगंबर अवस्था में मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, देखिए दर्शन कीजिए। चलिए अब हम और बढ़ते हैं एक और भव्य जिनालय की ओर, जहां पर कुछ समय पूर्व, यहां पर कुछ सालों पूर्व कह सकते हैं, पंचकर्णक प्रतिष्ठा भी हुई थी, और ये पंचकर्णक प्रतिष्ठा का ही वो हवन कुंड इत्यादि ध्वजारोहण स्थल बना है। और ये है भगवान, उनके दर्शन करेंगे। भारत की सबसे ऊंची दूसरे नंबर की वासुपूज भगवान की ऊंची प्रतिमा, विशाल प्रतिमा आप देख रहे हैं। साथ ही साथ हमारे पंडित जी साहब वहाँ पर पूरी तन्मयता से भगवान की आराधना में लगे हैं। भगवान का पंडित जी से हम गंधोदक भी लेंगे। पंडित जी थोड़ा गंधोदक जरूर दीजिए। अभिषेक देख रहे हैं आप सभी लोग। Oh.
ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं हं हं सं सं झं झं झीं झीं द्रीं द्रीं द्रावे 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 नमोते भगवते श्रीमते पवित्रतर जलतरेण जलाविसिंचयामि जलाविसिंचयामि जलाविसिंचयामि। यह भूमि पंडित जी साहब का ज्ञान अद्भुत ज्ञान है, बहुत सारी ज्ञान अर्जित बात कही। ये भूमि चंपावर भूमि क्यों पवित्र है, क्यों अतिशयकारी है, इसके बहुत सारे कारण हैं। श्रीपाल सहित 700 लोगों को जब कोष्ठ हो गया, कुष्ठ बीमारी सताली, तो उस समय दूर करने के लिए इसी चंपापुर में आकर के श्रीपाल और मैना सुंदरी ने सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आराधना की। और उसके बाद यहाँ पर अनेक बार उन्होंने सिद्धों की आराधना की। ये वो भूमि है जहाँ पर भगवान महावीर स्वामी के 3-3 बार समोसण आए। ये वो भूमि पवित्र है जहां पर नाग का हार सोमा सती को जो हुआ था, वो नाग का हार इसी भूमि पर सास ने नाग रख दिया घड़े में, बोले जाओ बेटी तुम्हारे लिए हार देती हूँ, और जा करके जैसे उसने हाथ डाला तो हार बन गया। ये वही पवित्र स्थान है। हमने राजा